भारतीय जेलों को लेकर 1850 के आसपास एक अंग्रेज अफसर स्लीमन ने जो लिखा था वो भी आपको बताते हैं। स्लीमन ने 1850 में लिखा था कि जेल से ही सभी अपराध कराए जाते हैं। सोचिए 1850 में जो लिखा गया वो आज यानी 2021 में भी कितना सच है। और हकीकत यह है कि अब तक हम उस सच को बदल नहीं पा रहे, उस तस्वीर को बदल नहीं पा रहे। अब आपको भारत की जेलों का हाल बताते हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जेल में आम कैदी बदहाल है और नेता मजे से जेल में रहते हैं। 2017 में देश में 1361 जेल थी। इनमें 3,91,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन जेलों में 4,50,000 कैदी थे, यानी जेलों की क्षमता के 115% कैदी जेल में थे। 2018 में देश में 1,339 जेल थी। इनमें 3,96,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन जेलों में 4,66,000 कैदी थे, यानी जेलों की क्षमता के 117% कैदी जेल में थे। 2019 में देश में 1,350 जेल थी। इनमें 4,03,000 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन जेलों में 4,78,000 कैदी थे, यानी जेलों में क्षमता से ज्यादा मतलब 118% कैदी थे। और अब आपको उन राज्यों की जानकारी देते हैं जहां जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखा गया है। इन राज्यों में सबसे पहला नाम दिल्ली का आता है। यहां जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट अगर हम देखें तो 174.9 है, यानी कि जहां 100 कैदियों को रखना है वहां 174 कैदी इस वक्त दिल्ली के जेलों में मौजूद है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, यहां 167.9, यानी जहां 100 कैदियों को रखना है वहां 167 कैदी हैं। उत्तराखंड में यही स्थिति, 100 कैदियों की जगह 159 कैदियों को रखा गया है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, 155.3%। देश के किसी भी राज्य में जब आप जाएंगे, जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए, 126.8, यानी जहां 100 कैदियों को रखा जाना है वहां 126 कैदियों को रखा गया है। ये स्थिति लगभग देश के ज्यादातर जेलों की है। हमने आज आपसे सवाल भी किया था कि क्या योगी की जेल मुख्तार की सत्ता रोक पाएगी। इस सवाल के जवाब में सैकड़ों लोगों ने वोट किया। इसमें 77% लोग बोल रहे हैं हाँ, उनको यकीन है कि योगी की जेल मुख्तार की सत्ता को रोक पाएगी। 21% लोग बोल रहे हैं नहीं, और 2% लोगों ने अपना जवाब पता नहीं में दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।